आईफा अवार्ड्स 2019 विनर लिस्ट, आलिया भट्ट की राजी पर हुई अवार्ड्स की बरसात, रणवीर सिंह ने भी मारी बाजी। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। बीती रात इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी कि आईफा अवार्ड्स के समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान बॉलीवुड की फिल्मों के लिए अवार्ड्स की घोषणा की गई। इस समारोह में इंडस्ट्री के कई जाने माने सितारे शिरकत करते नजर आए। इस समारोह में जश्न के बीच इस साल के विनर्स के नाम का खुलासा भी कर दिया गया। जिसमें आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन ने एक बार फिर से अपना दबदबा जमाए रखा है। इसके अलावा आलिया भट्ट को फिल्म राजी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वहीं रणवीर सिंह को पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इनके अलावा और भी कई सितारे आईफा की ट्रॉफी अपने घर लेकर गए। देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट। बेस्ट फिल्म का अवार्ड राजी को मिला। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड अंधाधुन को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड श्रीराम राघवन को फिल्म अंधाधुन के लिए मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड अदिति राव हैदरी को फिल्म पद्मावत के लिए दिया गया। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड विकी कौशल को फिल्म संजू के लिए दिया गया। बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड सारा अली खान को फिल्म केदारनाथ के लिए मिला। वहीं बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड ईशान खट्टर को फिल्म धड़क के लिए मिला। 20 इयर्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला। वहीं 20 इयर्स बेस्ट एक्टर अवार्ड रणबीर कपूर को दिया गया। बेस्ट म्यूजिक इन द लास्ट 20 ईयर का अवार्ड प्रीतम को दिया गया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द डायरेक्टर इन लास्ट 20 ईयर्स का अवार्ड राजकुमार हिरानी को मिला। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य को फिल्म धड़क के लिए मिला। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड अरिजीत सिंह को फिल्म राजी का गाना ए वतन के लिए दिया गया। वहीं बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड हर्षदीप कौर और विभा शराफ को फिल्म राजी का गाना दिलबरों के लिए मिला। वहीं बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड सोनू के टिट्टू की स्वीटी को दिया गया। तो ये थी आईफा अवार्ड्स 2019 की विनर लिस्ट। Bureau Report, Indian Film History. For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.